हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। ये रिक्रूटमेंट दो पोस्टों के लिए निकाली गई थी। कौन कौन सी थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दिसंबर माह में इन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाली थी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। ये रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एक फेज बचा है काउंसलिंग वाला। काउंसलिंग के बाद ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके बाद एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी आप लोगों की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये रिक्रूटमेंट के अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। ये एग्जाम इसका जो असिस्टेंट का कब कंडक्ट करवाया गया था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 29 जुलाई को इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था और आज लगभग 24 नवंबर हो चुकी है। ऑलमोस्ट 4 महीने कंप्लीट होने को जा रहे हैं, लेकिन आईसीआर की ओर से असिस्टेंट के रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी तक भी कोई भी न्यूज नहीं दी गई है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो अपना लेटेस्ट नोटिस डाला था वो आंसर की के रिगार्डिंग था, तो अभी लेटेस्ट कोई भी न्यूज नहीं दी गई है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईसीआर असिस्टेंट का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है। दूसरी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा जो आईसीआर टेक्नीशियन का जो लास्ट फेज बचा है वो कब तक हो सकता है और ये ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज दे देता हूं। इससे पहले क्या होता था, जो आईसीआर की वेबसाइट थी वो बहुत अलग थी, अलग तरीके से थी। उस जैसे आप लोग उस वेबसाइट को ओपन करते थे तो उसमें आपको सामने ही पहले पेज पर ही दो पोर्टल मिल जाते थे। एक पोर्टल आप लोगों का टेक्नीशियन के रिगार्डिंग था, जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन की अपडेट देखना चाहते थे तो वो कैंडिडेट टेक्नीशियन के पोर्टल पर क्लिक करके टेक्नीशियन की अपडेट जो आईसीआर की ओर से लेटेस्ट दी जाती थी वो चेक कर सकते थे। उसके बाद उसके नीचे एक पोर्टल असिस्टेंट का रहता था, जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट की लेटेस्ट अपडेट जो आईसीआर की ओर से दी जाती थी उनको चेक करना चाहते थे तो वो असिस्टेंट के पोर्टल पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने कुछ दिन पहले भी देखा है जो आईसीआर ने अपनी वेबसाइट कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। अब आप लोगों को यह भी नहीं पता है कि आप लोगों का पोर्टल जो है रिक्रूटमेंट वाला वो कहाँ से है और कैसे चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट एकदम चेंज हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आज के बाद अगर आप लोगों को टेक्नीशियन के रिगार्डिंग या फिर असिस्टेंट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट देखनी है तो वो कैसे चेक करते हैं। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए साइट ओपन करके, सबसे पहले ये जो साइट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप लोग इस साइट पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे जो पेज मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर रखा है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस साइट को आप लोग डेस्कटॉप जो मोड होता है उसमें ओपन कर लीजिए। अभी हमारी साइट डेस्कटॉप मोड में ओपन हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ये 3-4 लाइन दिखाई देंगी हॉरिजॉन्टल, इन लाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इन लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक न्यूज़ वाला पोर्टल दिखाई देगा, तो आप लोगों को न्यूज़ वाले पोर्टल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है। तो जैसे ही आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे न्यूज़ वाले पोर्टल को तो आपको नीचे करते करते आपको एक पोर्टल दिखाई देगा आप लोगों का, रिक्रूटमेंट सेल एट RAIR। तो आप लोगों को इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्लाइड करना है। तो जैसे ही आप लोग नीचे स्लाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो पहले के पोर्टल थे सेम उसी तरीके से दो पोर्टल दिखाई दे जाएंगे। कौन कौन से पोर्टल है, पहला वाला पोर्टल आप लोगों का टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है और जो सेकंड पोर्टल आप लोगों का असिस्टेंट के रिगार्डिंग है। अगर आप लोगों में से कोई से भी रिक्रूटमेंट की आप लोगों को अपडेट चेक करनी है, रिस्पेक्टिव टेक्नीशियन की करनी तो टेक्नीशियन वाले पोर्टल को चेक कर लेना, असिस्टेंट की करनी तो असिस्टेंट वाले पोर्टल पर चेक कर लेना। अब मैं आप लोगों को टेक्नीशियन वाला पोर्टल चेक करके बता देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग टेक्नीशियन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो ये मैंने जो एडमिट कार्ड वाला लिंक था वो वाला ओपन कराया मैं आप लोगों के लिए, जो उसका ओल्ड वाला ये लिंक है जो हमारा टेक्नीशियन वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप लोग इस टेक्नीशियन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। तो ये अभी इंटरफेस ओपन नहीं हो रहा, असिस्टेंट वाला मैंने ओपन कर दिया तो एरर दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो आईसीआर की वेबसाइट है अभी करंटली प्रोसेसिंग में, अभी कंप्लीटली इन लोगों ने चेंज नहीं की गई है। मे बी 2-4 दिन हो सकता है कि 1 वीक तक आप लोगों की जो वेबसाइट है प्रॉपरली फंक्शन करने लगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को बता देता, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को अपनी अपडेट कैसे चेक करनी है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आप बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। जैसे टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो असिस्टेंट का रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट का लास्ट फेज बचा है जो अब नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। उसके बाद मानकर चलिए जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी 15 नवंबर तक। आप लोग मानकर चलिए मैक्सिमम हो सकता है कि ये दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे। जनवरी के फर्स्ट वीक, जनवरी 2023 तक ये जो रिक्रूटमेंट है बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। उसके बाद जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट वाली, असिस्टेंट पर वर्क करना शुरू होगा। और मानकर चलिए आप लोगों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट बता देता हूँ कि कब तक आएगा। तो 15 दिसंबर तक आप लोग मान सकते हैं, 15 दिसंबर तक टेक्नीशियन का लास्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट पर काम स्टार्ट होगा। तो 15 दिसंबर तक आप लोगों का रिजल्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी है दिसंबर में आप लोगों का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आ जाएगा। बस यही अपडेट थी आप लोगों के लिए। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट है टेक्नीशियन के रिगार्डिंग हो या असिस्टेंट के रिगार्डिंग हो, वो डाउट आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो डाउट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही आईसीआर की ओर से टेक्नीशियन के रिगार्डिंग हो या फिर असिस्टेंट के रिगार्डिंग हो कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी, उसकी न्यूज आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।